लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डॉक्टर कॉलिंग में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। डॉक्टर कॉलिंग के अपने खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों के समाधानों की, और इसी कड़ी में आज बारी है ब्रेस्ट कैंसर बीमारी की, जिस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या होते हैं लक्षण और किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट होता है। 2015 के सर्वे के अगर बात की जाए तो ये सामने आया था कि 150,000 महिलाओं को स्तन कैंसर की समस्या थी, और बीते सालों में यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी को लेकर अब भी जागरूकता नहीं है। 60% से ज्यादा केसों में महिलाओं को एडवांस स्टेज पर आकर कैंसर का पता चलता है। ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री बालाजी एक्शन कैंसर हॉस्पिटल से कैंसर स्पेशलिस्ट वरिष्ठ डॉक्टर जेबी शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर जेबी शर्मा जी, सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। हम अगर बात करते हैं, कई बार होता है जागरूकता नहीं होती है, कईयों को इस बारे में कोई समझ नहीं होती है, और जब लास्ट स्टेज आ जाती है तो खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। सर, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है। देखो, हमारे शरीर में जो शरीर की बनावट है वो एक कोशिका की तरह से होती है। कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो पूरे शरीर को बनाती है। हर एक ऑर्गन्स में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो यही कोशिकाएं जब ब्रेस्ट में ग्रो करती हैं और जब ये ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाती है तब वो गांठ एक अनकंट्रोल्ड ट्यूमर के रूप में ले लेती है, उसको हम मतलब ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। जी। जो कोशिकाएं नॉर्मली नियंत्रित होके जो ग्रो करती हैं वो अनियंत्रित हो जाती हैं, तो उनकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से ट्यूमर बन जाता है ब्रेस्ट में। तो इसके जो प्रमुख लक्षण हैं जो ब्रेस्ट में, वो ब्रेस्ट में कोई लंप होना, कोई गांठ होना, स्किन में रेडनेस होना, स्किन में प्यूरी ऑरेंज टाइप का होना, जैसे ऑरेंज की तरह स्किन होती है वैसी स्किन का होना, कोई निप्पल से रेड कलर का स्राव बाहर निकलना, बगल में भी गांठ होना, यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ नोड होना जी। और कहीं पे भी ये अगर कहीं पे और दूसरी जगह पे फैलती है तो ये जो पेन भी कर सकती है, कहीं पे भी जैसे बोन में फैला तो बोन पेन हो सकते हैं, लीवर में फैली तो जॉन्डिस हो सकता है, अगर लंग्स में फैली है तो फिर उसको सांस फूल सकता है, खांसी हो सकती है जी। इस टाइप के लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर। डॉक्टर साहब, ये तो बात लक्षणों की हुई और ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है इस बात की हुई, लेकिन कारणों की अगर बात की जाए, क्या कारण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, क्योंकि कई लोगों में कई तरीके की भ्रांतियां होती हैं, खासकर ग्रामीण एरिया की अगर बात की जाए वहां पर। देखो, जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। जी। कुछ महिलाएं मतलब ये ऐसा पाया गया है कि कुछ जो हमने देखा है कि जो जिन महिलाओं को जो प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिनको मेनोपॉज लेट होता है उनके भी ज़्यादा होते हैं चांसेस, जिनको पहला बच्चा 30 साल के बाद होता है या जिनको बच्चा होता ही नहीं है, नली पेरिटी वाले, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क ज़्यादा होते हैं। जो महिलाएं स्तनपान 6 महीने से कम कराती है तो उनको भी ज़्यादा ये कैंसर होने के सामने पाए गए हैं, और जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं या जिनको अल्कोहल की लत है उनमें भी कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जाना कि क्या होते हैं इसके लक्षण, किस तरीके से ये जो खतरनाक भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, और कारण क्या होते हैं वो भी आपने जाना। और अगर आपको भी कुछ और जानकारी चाहिए हो ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित, या आप कोई सवाल पूछना चाहते हो डॉक्टर साहब से, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप कॉल करिए और अपने सवाल जो हैं वो आप पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी डॉक्टर साहब के सामने आपके जो सवाल होंगे
उनके जवाब वो आपको निश्चित तौर पर देंगे। और ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर अगर आपके पास सही जानकारी नहीं और आपने अगर सही ट्रीटमेंट नहीं किया है तो ये उतना ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, स्टेजेस के बारे में अगर बात की जाए, क्योंकि हर प्रकार का कैंसर जो होता है खतरनाक होता है, हालांकि पहले समय में ये बात अलग थी कि ट्रीटमेंट अच्छे ना होने की वजह से और काफी ज्यादा महंगी ट्रीटमेंट होने की वजह से कई बार तो मौत भी हो जाती थी, लेकिन आज की अगर हम बात की जाए, काफी अच्छे वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स आज हैं, तो डॉक्टर साहब यही जानना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट का क्या कुछ प्रोसीजर होता है, कितने स्टेज के ये ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो होते हैं, और अगर सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया गया, उसका इलाज नहीं करवाया गया, कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। मैं आमतौर पे हम लोग चार स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर को बांधते हैं। स्टेज वन होती है कि छोटा ट्यूमर जो ब्रेस्ट तक ही सीमित हो। स्टेज टू उसको बोलते हैं जब ट्यूमर ब्रेस्ट से निकल के एक्जिलरी लिम्फ नोड में चला जाए, तब उसको स्टेज टू बोलते हैं। स्टेज थ्री उससे आगे और भी लिम्फ नोड में वो स्प्रेड हो जाए, जैसे सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड है वहां पे चला जाए। और स्टेज फोर होता है लंग्स में, लिवर में, बोन्स में, ब्रेन में और कहीं पे भी जब फैल जाए तो उसको स्टेज फोर कहते हैं। ये स्टेजिंग इसलिए करी गई है क्योंकि अगर स्टेज वन का देखा जाए तो स्टेज वन में जो क्योर रेट है मोर देन 95% है, इसलिए स्टेज टू का क्योर रेट 70-80% है, स्टेज थ्री 50-60% है, और स्टेज फोर में भी इवन जो क्योर रेट है दैट कैन बी अबाउट 5-15% ऑफ द केसेस। जी बिल्कुल, आगे बढ़े सर, एक कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए और क्या सवाल है आपका। साबर सिंह जी, अपना सवाल बताइए आप। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था जी के जिस प्रकार ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, उसी प्रकार अगर लेडी का जैसे अभी ये हो जाता है किडनी थोड़ी सी सुकुड़ जाती है, हेलो सुन रहे हैं आपको, जैसे किडनी सुकुड़ जाती है क्या वो भी इसी लक्षण में आता है क्या? नहीं जी, इन्फेक्शन से इन्फेक्शन हो जाना या उसके बाद थोड़ा सा किडनी का सुकुड़ जाना वो भी इसी लक्षण में आता है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा था क्या इन सब में ये लक्षण भी है। नहीं साबर सिंह जी, आपने जो सवाल पूछा वो किडनी की बीमारी से रिलेटेड पूछा है, जिसमें किडनी सुकड़ जाना बहुत सारे कारणों की वजह से किडनी सुकड़ सकती है, जिसमें ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकती है, उसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। तो ब्रेस्ट कैंसर में कोई मतलब किडनी सुकड़ना इसका कोई लक्षण नहीं है, और अगर ब्रेस्ट का कैंसर किडनी में डिपॉजिट भी होता है तो उसमें भी गांठ बनती है तो वो किडनी का साइज बढ़ाता है, सिकुड़ता नहीं है। बिल्कुल, तो दर्शकों आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बात यहाँ पर ट्रीटमेंट की चल रही थी क्योंकि स्टेजेस तो डॉक्टर साहब ने हमें बताए ही, लेकिन ट्रीटमेंट के खर्चे की भी बात हम करेंगे सर, कि कितना खर्चा जो होता है वो मैक्सिमम आता है, और साथ ही अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहा है और किसी अस्पताल का चुनाव वो करना चाहता है कि कौन से अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, क्या कुछ खास ख्याल रखना उसे चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के इलाज कराने से पहले आपको सबसे पहले जरूरी है कि स्टेजिंग वगैरह करें, तो ऐसा अस्पताल होना चाहिए जहाँ पे सारी सुविधाएं एक ही जगह पे एक ही सेंटर पे उपलब्ध हो, जहाँ पे ब्रेस्ट सर्जन भी हो, जहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी हो, जहाँ पे अप टू द मार्क रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटीज हो, जहाँ पे टेस्टिंग हो, जहाँ पे सारे मार्कर्स ट्यूमर मार्कर्स वगैरह पता लग जाए, लेबोरेटरी की सुविधाएं अच्छी हों, तो वहाँ पे आप लोगों को जाके इलाज कराना चाहिए, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर बोलते हैं। बालाजी हमारा उन सेंटर्स में से एक है और बहुत ही वेल इक्विप्ड यहाँ पे सारी मशीनें हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी मशीन है, यहाँ पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे हमारे ब्रेस्ट सर्जन्स हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा अस्पताल चुनना चाहिए जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर हो। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, किरण हैं गुरुग्राम से। जी किरण जी, अपना सवाल पूछिए आप। जी मैडम। जी हाँ जी, सवाल पूछिए मैम अपना। जी थोड़ी वॉल्यूम भी बढ़ा सकते थे मैम। सवाल पूछिए आप अपना, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, अरे मैडम मेरे को छाती में जो ना गांठ पड़ती है, तो वो मैं दो बार ऑपरेशन करा चुकी हूँ जी, तो ये गांठें आप दूसरी छाती में बन गई है जी, तो ये बार बार क्यों बन गई, मैं ये जानना चाह रही मैडम। आपकी उम्र कितनी है किरण जी? हाँ जी, आपकी उम्र कितनी है जी? मेरी 42 साल उम्र है सर। अच्छा,
तो जो पहले ऑपरेशन कराया था उसमें क्या रिपोर्ट आई थी उसकी? सर ये मैंने 2011 में करवाया था, तो उस टाइम पे गांठ की जांच नहीं करवाई थी मुझे, मतलब डॉक्टर ने सलाह नहीं दी थी, तो पता नहीं था। ओके ओके, तो दोबारा अभी फिर गांठ उसके बन बाद गई है, उसी में फिर दोबारा बन गई तो उसका एक ऑपरेशन साल हुआ है के बाद। दोबारा? हाँ जी दोबारा भी ऑपरेशन हो गया कि नहीं? हाँ जी सर, ये 2017 में जनवरी में दोबारा ऑपरेशन कराया, तो वो मतलब काफी बढ़ गई थी, तकरीबन 1 किलो के करीब पहुंच गई थी। उसकी रिपोर्ट में क्या आया था? सर उसने तो यही बताया कि हारमोन की गड़बड़ी बताई डॉक्टर ने। ओके, तो ठीक है किरण जी, मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि जो हम जो भी गांठें देखते हैं उनमें जरूरी नहीं है हर गांठ कैंसर की हो। 80% ऑफ द टाइम जो ऐसा होता है कि वो गांठ कोई सादी गांठ भी हो, कोई फाइब्रो एडिनोमा हो, कोई सिस्ट हो, कोई अब्सेस हो, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कैंसर ही हो। और बार बार अगर किसी को फाइब्रो एडिनोमा दोनों ब्रेस्ट में हो सकते हैं, हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से भी हो सकते हैं, तो उसको ये एक हाई रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर में कन्वर्ट होने का। तो अगर कोई आपको अगर पेन रहता है या कोई आपको डिस्कम्फर्ट रहता है तो आप जी ऑपरेशन करके उसको निकाल दीजिए, जरूरी नहीं है ये कैंसर की है, और इसमें आपको सादी गांठ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शुरुआत कैंसर की हो सकती है इस तरीके की गांठ से, ये भी है। ये भी होता है कि इस टाइप के हाई रिस्क रहते हैं जिनको बार बार ये फाइब्रोएडिनोमा होते हैं उनको जी कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, नीलम है चंडीगढ़ से। जी नीलम जी, अपना सवाल पूछिए आप। नीलम जी सवाल पूछिए, हम चाहेंगे आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन का वॉल्यूम कम हाँ जी करें। हाँ जी जी मैं पूछूँ आप? जी जी मैम पूछिए प्लीज। आज साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, वो मेरा जी खत्म हो गया था। जी हाँ जी हाँ जी, 8 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, जी जी वो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन 8 साल बाद फिर दोबारा सारी बॉडी में स्टार्ट हो गया, और लास्ट स्टेज है, तो इसका कोई इलाज है? ठीक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा है। 8 साल पहले आपका किस टाइप का कैंसर था और अभी जब दोबारा आया है तो कितनी स्टेज है, और क्या ERPR उसमें जो अदर दूसरे मार्कर्स होते हैं जो ट्रीटमेंट डिसीजन में हेल्प करते हैं वो किस टाइप है, उसके ऊपर आपको मतलब ये क्या स्टेज है और कौन सी दवाई आपको सूट करती है वो सब डिसाइड करना पड़ेगा। ये अभी भी क्योरेबल हो सकता है। लेकिन लास्ट स्टेज है तो क्योरेबल हो सकता है, इसका मतलब। मैंने बताया लास्ट स्टेज में भी 5 से 15% के लोग परसेंट इतना क्योर हो सकते हैं। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हिसार से हैं राजवीर जी। राजवीर जी अपना सवाल पूछिए आप। राजवीर जी सवाल पूछिए आप अपना सर। नहीं, हम तो डॉक्टर साहब को यही बताना चाह रहे थे, हमारा 2009 में ट्रीटमेंट हुआ था, राइट ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेट हुई थी, डॉक्टर डॉक्टर JB शर्मा ने कीमोथेरेपी और रेडिएशन के लिए दोनों किया था। हेलो हाँ जी हाँ जी हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं आप पूछिए सर, सवाल पूछिए आप। सन 2009 में डॉक्टर साहब डॉक्टर JB शर्मा जी राजीव गांधी में थे, उस टाइम हमारा इलाज हुआ था, कमलेश धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर। जी नहीं सवाल कोई नहीं, डॉक्टर JB शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हम अच्छा, तो प्रोग्राम देख रहे थे, डॉक्टर JB चलो शर्मा जी का बहुत चलो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हुए, हमारा बहुत ही जी बढ़िया इलाज किया और मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक ठाक है आज ओके के दिन। राजवीर जी थैंक यू, आपने एक्नोलेज किया हमारे हमारे एफर्ट्स को, एक्नोलेज किया, थैंक यू वेरी मच। हम चाहते हैं कि कमलेश जी बिल्कुल ठीक रहे और सब कुछ अच्छा चलता रहे। चलिए तो दर्शकों आप अपने सवाल हैं तो आप अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। और त्रिलोक जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी त्रिलोक जी अपना सवाल पूछिए आप। हेलो जी त्रिलोक जी सवाल पूछिए सर अपना। मैम मैं ये कह रहा हूँ, डॉक्टर जी के बारे में सुना था, लेकिन मैम मैं ये कह रहा हूँ जो शरीर में मैम मैं ये पूछ रहा था, ये शरीर में जो गांठ जाती हैं जी, इनका कोई साइड इफेक्ट होता है या ये कोई बीमार? वही ये क्वेश्चन है कि शरीर में कोई भी गांठ हो जाए तो क्या क्या कितना नुकसान हमारे है? शरीर में गांठ किस टाइप की है और कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की है। अब मैं कुछ एग्जांपल दे के बताऊंगा कि कई बार छोटी छोटी गांठें हमारे शरीर पे, हाथों पे,
बगल में, इधर पेट के ऊपर, कमर में, पीछे हो जाती हैं, जो कि ऐसे ना पेन होता है ना उसमें और कुछ होता है। तो ऐसी गांठें फाइब्रो लाइपोमा भी हो सकती हैं या फाइब्रो लाइपोमा हो सकती हैं, तो इसमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है जी। तो लेकिन कुछ गांठें ऐसी होती जो नेक के पास होती हैं, बड़ी होती हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, या तो वीकनेस या वेट लॉस या फिर फीवर इनके साथ में एसोसिएटेड होती हैं, तो वो उसमें लिम्फोमा या कैंसर होने की संभावना बनी रह सकती है। तो ऐसे में उसको चेक जरूर करवाना चाहिए एक बार जी। डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि पहले भी वो ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और एक और बार उनको ये ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। कई लोगों में ये दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन कितना परसेंट होता है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर की दिक्कत है वो दोबारा आती है ट्रीटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनमें, कितने परसेंट होते हैं? जैसे ये परसेंटेज डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर। जैसे मैंने बोला अर्ली स्टेज में पेशेंट हैं तो उनमें 5% लोगों में बीमारी वापिस आने की संभावना रहती है, और जो पेशेंट्स की स्टेज मान लो ज्यादा है या स्टेज 4 है तो उनमें ये मतलब स्टेज 3 और 4 में 60-70% चांसेस है कि बीमारी वापिस से आ जाए एक बार ट्रीट होने के बाद जी। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर बात की जाए, कई जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर वो इस बीमारी से जूझ रही हैं, अब कितने वो चांसेस होते हैं और क्या कुछ प्रिकॉशंस उस दौरान लेनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट उस दौरान संभव है? प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर होता है, हम लोग पेशेंट कई बार आते हैं हमारे पास, तो हम जनरली अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने हैं, तो हम पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि अबॉर्शन करवा लीजिए, क्योंकि दवाइयां जो होती हैं वो बच्चे के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए नुकसान करती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम सर्जरी कराते हैं तो एनेस्थीसिया से नुकसान होता है, और अगर हम रेडिएशन वगैरह देते हैं तो वो भी सुटेबल नहीं रहती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा एडवाइज रहता है कि पेशेंट को कि भाई अबॉर्शन हो जाए तो बच्चा ना आए। अगर कोई महिला सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी का डिटेक्ट होता है तो ऐसे में ऑपरेशन भी संभव है, और ऐसे में कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। उसमें ध्यान हमें ये रखना पड़ेगा कि बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद हम रेडिएशन, अगर उनको जरूरत हो तो उसके बाद रेडिएशन दे, बाकी हार्मोनल ट्रीटमेंट और कीमोथेरेपी दे सकते हैं। बिल्कुल। मोनू हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रोहतक से हैं जी। मोनू जी, आपका सवाल पूछिए। मैडम, ये मेरे आंखों में क्या नाम है, एलर्जी है, इसका पता करना था जी। नहीं सर, आज का जो सवाल हमारा ये है, जो विषय हमारा है वो ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा है, और उम्मीद करेंगे अगर आपके कोई सवाल इससे रिलेटेड हैं तो आप पूछिए। और फिलहाल दर्शकों को एक बार फिर हम बता दें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये विषय है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। कई बार ऐसा होता है, कई मन में सवाल होते हैं, ग्रामीण इलाकों की भी बात की जाए तो वहाँ महिलाओं को काफ़ी कम जागरूकता इसके बारे में कम जानकारी होती है, और नतीजतन ये होता है कि इसका जो परिणाम होता है बहुत बुरा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं और जानना चाहूँगी यहाँ पर, कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो हेरिडिटरी होती है कि आपके पेरेंट्स से वो बच्चे में जाती जाती हैं, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर जैसी जो बीमारी है अक्सर महिलाओं में देखने को मिलती है, तो क्या ये ट्रांसफर होती है या कुछ इस तरीके के होते हैं ये पॉइंट्स? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है जी। ये एक जेनेटिक डिजीज है, ब्रेस्ट कैंसर भी एक जेनेटिक डिजीज है जो कि ट्रांसफर हो सकती है जी। हाँ, दो जीन होते हैं, BRCA1 और BRCA2 जी। ये दो जीन में अगर किसी में भी म्यूटेशन हो जाती है तो वो जीन ट्रांसफर हो जाता है बच्चों में जी, ठीक है। तो उसमें अगर ये रहता है तो उसमें लाइफ टाइम में जो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना वो 90% तक हो जाती है। तो ये आमतौर पे देखा गया कि 5-10% जो केसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर के वो अनुवांशिक है और इस जीन की वजह से। तो अगर ये ट्रांसफर होते हैं तो क्या बच्चे में बचपन में वो डिटेक्ट हो जाते हैं या बाद में जाकर वो एक्टिव होते हैं? नहीं, ये तो जीन तो हमेशा हर सेल्स में पॉजिटिव रहते हैं जी। तो ये जीन की वजह से रिपेयर मैकेनिज्म खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर मान लो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसका रिस्क बढ़ता जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जेबी शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ब्रेस्ट कैंसर जैसे गंभीर विषय को लेकर आपने हमारे तमाम दर्शकों को ये बेहतरीन जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। और दर्शकों, हमने जैसा हर बार बोलते हैं इस कार्यक्रम के जरिए आपको कि अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है आपको या आपके परिवार को, तो आप उसका इलाज जरूर कराइए। अपने आप डॉक्टर आप बिल्कुल मत बनिए, सही डॉक्टर से आप जाकर इलाज करवाइए। और इसी के साथ आज के डॉक्टर कॉलिंग के इस कार्यक्रम में अभी
के लिए फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।